हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है मॉम्स लवेबल गैली में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। उसके लिए हम लोगों ने एक यहाँ पे बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, दो टमाटर हैं छोटे साइज़ के, और दो तीन लहसुन की पत्तियाँ ले ली हैं और दो मेथी ले ली हैं। तो अब हम इन्हें एक मिक्सी के जार में रख के इन सभी को पीस लेंगे। हमें इन सभी को अच्छे से पीस लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। अब हम इसमें अपना पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे और उसे भून लेंगे। लिखाता हूँ, हमें इसे लगातार भूनते रहना है ताकि जल ना जाए। मसाला बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू, ऐसे मिक्स कर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसके लिड क्लोज करके इसको मीडियम फ्लेम के लिए पकने देंगे 200 पर। रेडी हो चुकी है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। सब्जी रेडी हो चुकी है, अब हम इसे धनिया से गार्निश कर लेंगे। हमारी सब्जी बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो ना मिस कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।